आप देख रहे हैं एग्जाम टूर आपसे बता दें बीएसएस फोर की वैकेंसी का एग्जाम सब कुछ रिजल्ट वगैरह आ चुका है फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है बहुत सारा आप इंटरव्यू देखे होइएगा एक दो इंटरव्यू और ऐसा इंटरव्यू है जिसको आप जरूर देखिएगा और उस तरीका से आप जरूर तैयारी कीजिएगा यहाँ पे देखिएगा सीजीएल फोर की वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में बताया जाएगा क्या होगा कैसे होगा सब कुछ जानकारी दिया जाएगा मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जल्द यानी कि एक बात आप जान लें नियुक्ति जो ये वैकेंसी की बात है ये बहुत जल्द दिया जाएगा जनवरी तक में दे दिया जाएगा और आपका एग्जाम वगैरह का बात होगा तो ये भी आपका बहुत कम समय दिया जाएगा तो जिस तरीका से आप पिछला सीजीएल देखें एक साल के अंदर पूरा कर लिया गया तो इस बार भी एक साल के अंदर नहीं आप देखिएगा छः से आठ माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा पिछला बार भी आप देखे हुएगा छः से आठ माह का ही कैलेंडर दिया गया था लेकिन समस्या क्या हुआ कि प्रश्न वायरल हो गया जिसके कारण से वह एक साल लग गया तो एक साल के अंदर इसे भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा आप देख रहे हैं जो भी वैकेंसी निकाला जा रहा है जैसे टीचर का हो गया वह एक से डेढ़ माह में पूरा किया जा रहा है अब कैलेंडर दिया गया है तो अगस्त वाला बात है तो इसी तरीका से इसका भी कैलेंडर आएगा जिस तरीका से पिछला बार कैलेंडर आएगा संपूर्ण जानकारी इस पर मिल जाएगा इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बात बता दें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं उनको मैं आगाज कर दूँ मैं पहले ही बता दूं कि वो कोई भी वीडियो मेरा न डालें यदि डाल रहे हैं तो मेरे से उसके लिए आप परम परमिशन ले लें उसके बाद डालें अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा वो वीडियो इधर उधर करके डालते हैं इधर उधर करने का अर्थ हुआ कि कुछ बात उल्टा सीधा कर देते हैं जिसके कारण बहुत समस्या हो रहा है बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे पास तो ये सब आप ना करें अब यहाँ पे आते हैं कब तक आएगा देखिएगा यहाँ पे ये यह आज के पेपर का दिया हुआ है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की कसरत शुरू हो गई परीक्षा शीघ्र आयो शीघ्र आयोजन की की जाएगी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव और सभी जिला अधिकारियों को के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने अपने विभाग की रिक्ति भेजने को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि इस इसे गंभीरता से लिया जाए दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभाग को जिला से मांगी थी रिक्तियों की अधियाचना भेजने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया था लेकिन इसके बाद कई कई ने रिक्ति को लेकर अधियाचना नहीं भेजी और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और इससे पहले मुख्य सचिव ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग से भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी ली उधर चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा शीघ्र आयोजन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है यानी कि ये देखिएगा जिस तरीका से बताया जा रहा है कि सबसे पहले इससे पहले भी हुआ था लेकिन जब भी वैकेंसी मांगना मांगा जाता है अधियाचना मांगा जाता है कि आपके यहाँ कितना सीट खाली है क्या है तो इसके लिए आप देखे हुए का बहुत सारा पद ऐसा होता है जो जिला में आपको नियुक्ति होती है आ, बहुत सारे ऐसे भी जिस तरीका से ए एस होंगे जो कि जिला में भी नियुक्त होते हैं और ये यहा आपका यहाँ पे बिहार का ये सचिवालय में भी होते हैं तो सभी जगह से जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय में जो सीट होंगे अड़तीसों जिला से लिया जाएगा और सभी विभागों से बहुत सारे विभाग होते हैं चौवालीस से पैंतालीस विभाग से आता है आप लोग इससे पहले भी देखे होगा इस जो फर्स्ट बार बी एस एस सी आयोजित हुआ था उस समय भी ए को लेकर यानी उस समय सचिवालय सहायक हुआ करता था अभी सहायक पर शाखा पदाधिकारी हो गया उसको लेकर डिमांड था के द्वारा भी असिस्टेंट का नियुक्ति किया जाता है उसका भी सेम सिलेबस है उसमें भी पीटी होता है डेढ़ नंबर का और वो भी ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बाद मेंस भी होता है, होता है है ऑब्जेक्टिव और उनके कम संख्या पर निकलते हैं प्रत्येक एक साल 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 एक, साल, एक साल, दो साल पर सीट पर सीट इस बार निकला था आ, सबका रिजल्ट हो चुका है फाइनल ज्वाइनिंग हो चुका है तो उसको लेकर हमेशा से मांग चलता है कि हमको दे दिया जाए हम ही करा लेंगे लेकिन अभी उस तरह का कुछ नहीं है बी के माध्यम से ही आएगा और चतुर्थ में अब देखिए शिक्षा विभाग अनरिक्त पदों की संख्या तलब की शिक्षा विभाग के निर्देश निर्देशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद कार्यरत बल और रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की गई है साथ ही पदस्थापना की भी जानकारी मांगी है 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी तरह के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए प्रावधान आ, प्रावधान पैंतीस प्रतिशत सैदी आरक्षण के आलोक में नियुक्ति की गई महिलाओं की संख्या भी मांगी गई है इसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव अवैधनाथ यादव ने सभी निर, निर्देशालय और जिला को पत्र लिखकर भेजा इसी तरह एक अप्रैल दो से अब तक नियमित संविदा तथा आ, अकाउंटेंसी के माध्यम से रोजगार प्राप्त महिला और पुरुष की अलग अलग संख्या मांगी गई है एक देख सकते हैं बहुत सारे लोग आरक्षण को लेकर बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं उसी से रिगार्डिंग इस पर अब तलब किया गया है और ये मांगा जा रहा है कि आप दें कि समय से लेकर इतना समय तक जो बहाली हुई है उसमें कितना महिलाएँ हैं क्या संख्या है सब कुछ जानकारी दिया जाएगा चूंकि आप देखे हुई अभी बी एस एस सी बी एस एस सी बोल रहे हैं बी पी एस सी टी आर टू को लेकर उसमें बताया जा रहा है कि जो अन्य महिलाएं हैं उनको भी आम महिलाओं में शामिल किया गया है ये एक चल रहा है और इसकी जाँच शुरू है इसमें क्या होता है आप लोग देखते रहिएगा और एक बात बता दें यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों में शेयर करें सभी प्रकार का न्यूज़ ये जो विद्यार्थी पहली बार भरेंगे चूंकि तेईस के बाद चौबीस में आ रहा है बी एस एस सी की भर्ती उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपका पच्चीस मैथ्स पूछे जाएंगे पच्चीस आपका साइंस पूछा जाएगा पचास रीजनिंग रहेगा पचास जी के जी रहेगा जो भी इसका सिलेबस है वो रेलवे से रिगार्डिंग है रेलवे एसएससी से जुड़ा हुआ है इसमें मैथ्स में आपका केवल और केवल अर्थमेटिक और नंबर सीरीज पूछे जाते हैं साइंस की बात करिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और लाइफ साइंस से पूछे जाते हैं फिर इधर आप आइएगा जी uh, में तो हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटिक इकोनॉमिक्स से रहेंगे और करेंट अफेयर से रहता है एक दो प्रश्न बिहार से भी हो सकता है मैथ्स की बात करिएगा तो एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते हैं रीजनिंग की बात करिएगा तो रीजनिंग में जितना एस एस का सिलेबस है सेम सिलेबस यहाँ पूछा जाता है इस बार आप भी तैयारी अच्छा से करें जिनको इस बार चूक हो चुका है वह इस बार मेहनत सही डायरेक्शन में करें बहुत सारा वीडियो जो पढ़ रहा है जिसमें आप देखिएगा जो सफल स्टूडेंट हैं उनकी बातों को सुने और उनके जैसा तैयारी करने का प्रयास करें यह नहीं कि वो जैसे बता रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट करेंगे जो आपको लगे कि इनके बातों को हमें ये अपने आप में ढालना चाहिए इस तरीका से करना चाहिए उस तरीका से जरूर